रोमन रेंज ने हराया 3 रेसलर्स को, एंड क्या केविन ओन्स होने वाले हैं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉक के बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो मैं इसे रिकमेंड करूंगा, इसे लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉक से। तो मंडे नाइट रॉ होने वाली है एंड उसके अंदर WWE बहुत कुछ बुक कर दिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलेगा केविन ओवेंस वर्सेस बिग ई का मैच, जो कि एक सिंगल्स मैच होने वाला है। एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, WWE अनाउंस कर दिया है मैच बेहतरीन होने वाला है। नेक्स्ट होने वाला है द रेटेड आर सुपरस्टार एज का रिटर्न, जो कि WWE ने कर दिया है रिसेंटली अनाउंस्ड। ये मंडे नाइट रॉ देखने में काफ़ी तरह मज़ा आने वाला है, तो यार आप मंडे नाइट रॉ को भी ज़रूर देखना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, एंड वो हमारे जुड़े हुई है केविन ओवेंस, क्या ज्वाइन करेंगे ब्लड लाइन को। तो रिसेंटली एक लाइव इवेंट के दौरान केविन ओवेंस का मैच हुआ एंड उसके अंदर हमें देखने को मिला कि केविन ओवेंस ने जैसे एंट्री की वैसे ही हमें ये देखने को मिला कि केविन ओवेंस ने ब्लड लाइन वाला टी शर्ट पहना हुआ था। क्या वो ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, तो देखो यहाँ पर जो है केविन ओवेंस क्या वो टी शर्ट पहन के आए, तो उसका मतलब वो ज्वाइन नहीं करेंगे। या तो वो हो सकता है कि केविन ओवेंस के पास मतलब अपनी टी शर्ट नहीं हो, लेकिन लाइव इवेंट में कोई इतना कोई ध्यान देता नहीं, तो इसीलिए केविन ओवेंस ने पहनना सही समझा, या फिर कोई और हो सकता है कारण। बट लाइव इवेंट में मोस्टली लोग इतना कुछ नोटिस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो है केविन ओवेंस ऐसे ही पहन कर आ गए होंगे। लेकिन बढ़ते हैं हमारे स्नैक न्यूज़ की तरफ, एंड वो हमारी जुड़ी हुई है रोमन रेंज ने हराया 3 सुपरस्टार्स को। तो रिसेंटली उसी लाइव इवेंट में रोमन रेंज ने अपना मैच दिया एंड उसके अलावा कई और मैचेस भी देखने को मिले, जो कि काफ़ी बेहतरीन थे। एंड मेन इवेंट हमें देखने को मिला रोमन रेंज एंड दी उसोज वर्सेस स्ट्रिक प्रॉफिट एंड ड्रू मैकइंटायर का मैच। ये मैच वाकई काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले। हालांकि ये लाइव इवेंट में मैच हुआ था एंड इस मैच का नतीजा ये निकल के आता है कि रोमन रेंज की टीम ये मैच जीत जाती है, एंड यहाँ पर रोमन रेंज डोमिनेटिंग नजर आ रहे थे। तो जाते जाते दो एक्स्ट्रा न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो पहली एक्स्ट्रा न्यूज़ है ये, मुस्तफ़ा अली को एक डॉटर हो चुकी है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हम। एंड दूसरी न्यूज़ भी सेम ही जुड़ी हुई है, जो कि कोफी किंगस्टन को भी एक डॉटर हुई है, तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे दोनों को भी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। आप ऐसे चटपटा और मसालेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि वीडियो अब तक पहुंच जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।